तो क्यों हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन आपकी फ्रंटल हेयर लाइन में डेंसिटी ज़्यादा रखते हैं और पीछे कंपैरेटिवली कम रखते हैं? ऐसा क्यों होता है? व्हाई वी डू व्हाट वी डू? सो हियर इज द थिंग, हेयर ट्रांसप्लांट इट्स एन आर्ट. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजाइन, मैथमेटिक्स, साइंस एंड अ परफेक्ट स्किल्स ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन. Why we do what we do? Because it's a pure mathematics. How? Let's go and find out. Hi, myself Dr. Vivek Galani, Chief Hair Transplant Surgeon at RQC Hair Transplant Clinic, Surat, India. After doing thousands of hair transplant and implanting more than a millions of hair follicle, आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि क्यों फ्रंटल हेयर लाइन में डेंसिटी ज़्यादा होती है, पीछे कंपैरेटिवली कम होती है. सो लेट्स गेट सम नॉलेज. तो जैसे मैंने बताया पहले कि इट्स अ प्योर मैथमेटिक्स, हेयर ट्रांसप्लांट इज अ प्योर मैथमेटिक्स. यहाँ पर नंबर्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल डोनर एरिया, कि यहाँ से हम कितने बाल निकाल सकते हैं, हाउ मेनी ग्राफ्ट्स वी कैन हार्वेस्ट फ्रॉम योर डोनर एरिया. इट कैन बी समवेयर 3,000 to 4,000 पर सेशन. उसके सामने आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिसिपियंट एरिया में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप कौन से ग्रेड में हो, ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो अगर मैं आपको ग्रेड 7 के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर मोर देन 8,000 ग्राफ्ट की आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है, विच इज़ ऑलमोस्ट वेरी वेरी डिफिकल्ट गेट. मतलब बहुत ही डिफिकल्ट होता है 8,000-9,000 ग्राफ्ट को प्लान करना. आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है वो आपका प्रेजेंट नहीं, वो आपका फ्यूचर भी प्लान करते हैं. जैसे कि मान लो आप ग्रेड 1, 2, 3 में हो तो यहाँ पर हमें उतने ही ग्राफ्ट यूज़ करने हैं, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में ग्रेड 4, 5, 6 और 7 में जाओगे तो आपको और भी ग्राफ्ट लगेंगे पीछे की साइड पे. तो आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जो है वो आपका फ्यूचर प्लान भी देखते हैं. एंड सो द प्लानिंग ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बिकम्स अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. एंड हाउ a hair transplant surgeon plans for your hair transplant, let's go and find. So let's say for example aapke paas enough graft hai, matlab ki aapka donor area bahut acha hai, highly dense hai, hair bhi bahut thick hai, to aisi situation mein yahan par aapko future bhi dekhna hai. मतलब कि आप अभी कौन से ग्रेड में हो, फ्यूचर में आप कौन से ग्रेड में जा सकते हो, अभी आपको कितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में आपको कितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, ये पूरा कैलकुलेशन रखते हुए आपका हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना है. और इसी को देखते हुए मान लो अगर आपके पास गुड डोनर एरिया है फ्यूचर के लिए भी और अब के लिए भी, आज के लिए भी, तो ऐसे एरिया में मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी डेंसिटी है वो हम हाई रख सकते हैं. अगर आप अर्ली स्टेज में हो, ग्रेड 2, 3, इवन ग्रेड 4 तक आप अच्छी डेंसिटी से प्लान आउट कर सकते हो अगर आपके पास डोनर एरिया अच्छा है. अब जो आप बोल रहे हो कि हेयर लाइन में ज़्यादा ग्राफ्ट है पीछे कम है, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपके पास जो डोनर एरिया है वो बहुत अच्छा नहीं है, वो एवरेज है या फिर वो पुअर है, वहाँ पर इनफ ग्राफ्ट नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में हम थोड़ा सा डिफरेंट प्लान करते हैं. तो जब आपके पास डोनर एरिया में ग्राफ्ट इनफ नहीं होते, मतलब नंबर कम होता है, चाहे वो आज के लिए हो चाहे वो फ्यूचर के लिए हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है वो थोड़ा सा डिफरेंटली प्लान करेंगे. ऐसा नहीं है कि मैं वो करता हूँ जो मुझे पसंद है. हम मानते हैं कि डोनर एरिया में बाल कम है, लेकिन हमारा हौसला भी किसी से कम नहीं है. तो जब हमारा हौसला, हमारी हिम्मत स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी प्लानिंग भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. मतलब कि जब हमारे पास एरिया, रिसिपिएंट एरिया बड़ा है,
और डोनर एरिया मतलब नंबर ऑफ हेयर्स हमें कम मिलने वाले हैं फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, ऐसी सिचुएशन में आपका फ्रंट लुक अच्छा बनाने के लिए यहाँ की जो डेंसिटी होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी हाई रखते हैं। उसके पीछे का एरिया है वहाँ पर ग्रेजुअली थोड़ी सी डेंसिटी कम होती है, उसके पीछे के एरिया में थोड़ी सी और कम होती है, ऐसे करते करते फ्रंट टू बैक आपकी जो डेंसिटी है वो ग्रेजुअली कम की जाती है। जानबूझ के नहीं कि भाई चलो इधर कम डालते हैं, बट एक तरह से मजबूरी में, क्योंकि हमारे पास डोनर एरिया अच्छा नहीं है, इसी वजह से हमको बालों को ऐसे मैनेज करना है कि एक बाल 100 के बराबर बने। सो कीपिंग हाई डेंसिटी, मेंटेनिंग हाई डेंसिटी ऑल अराउंड योर रिसिपिएंट एरिया इज समटाइम्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मतलब कि जब आपके पास डोनर एरिया अच्छा नहीं है तो पूरे रिसिपिएंट एरिया में हाई डेंसिटी में इम्प्लांट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। अगर ऐसा करते हैं तो आपका पूरा एरिया कवर नहीं होगा। सो इट्स अ विन विन और लॉस लॉस सिचुएशन, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कभी कभी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके जो डोनर एरिया है वहाँ पर ग्राफ्ट के नंबर्स कम है, एक और रीज़न है जहाँ पर आपकी जो डेंसिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। देखो हेयर ट्रांसप्लांट आइडियली स्पीकिंग इट्स अ मल्टी सेशन प्रोसीजर, मतलब कि आपको एक बारी में सब नहीं करना है, आपको बारी बारी में सब करना है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट्स हमें बोलते हैं सर मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, अगर पॉसिबल है तो आप मुझे पूरा का पूरा सर कवर करके दो। अब देखिए जो एक्सट्रैक्शन जो आपका रिसिपिएंट एरिया है ना वो वेरिएबल है, मतलब ग्रेड वन में वो कम होगा, टू में थोड़ा ज़्यादा, थ्री में थोड़ा ज़्यादा, सात में सबसे ज़्यादा। लेकिन उसके सामने जो हार्वेस्टिंग है मतलब जो बाल हम निकाल सकते हैं वो फिक्स है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कि 4000 ग्राफ्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आप ग्रेड टू थ्री या फोर में हो, थ्री फोर में, तो 4000 ग्राफ्ट इज गुड डिसेंट नंबर। लेकिन अब आप ग्रेड सिक्स में हो, ग्रेड सेवन में हो, और फिर आप ऐसा बोलते हो कि सर मुझे तो एक बारी में पूरा सर कवर करना है, तो जो 4000 पीछे से मिलने वाले हैं वो तो 4000 ही रहेंगे, वो तो कोई 8000 नहीं हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से फिक्स है, वहाँ से उतने ही निकल सकते हैं। अब 4000 को आप इतने एरिया के सामने उसके डबल एरिया में इम्प्लांट करोगे तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड दिस लॉजिक कि क्या होगा, फिर डेंसिटी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी। तो जब आप कंफर्ट को रिजल्ट के सामने अब ऊपर ले जाओगे तब आपका रिजल्ट डाउन तो होने ही वाला है। सो ऑलवेज डोंट डू दिस, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको सेशन के हिसाब से डिवाइड करिए। ऑलवेज इफ यू आर इन एडवांस ग्रेड लाइक यू आर ऑन मोर देन ग्रेड फोर, अगर आप पाँचवें छठे और सातवें ग्रेड में जा चुके हो, ऐसी सिचुएशन में अगर पॉसिबल है तो आप मल्टी सेशन में प्लान करिए। मल्टी सेशन क्यों? क्योंकि जब एक बार हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो दूसरी बार जब हार्वेस्टिंग मे बी मिनिमम 6 or 8 मंथ्स लेटर हम जब करते हैं तो हमको और अच्छे से दूसरे नए ग्राफ्ट मिलते हैं और बियर्ड वगैरह का यूज़ करते हैं। सो आपको अल्टीमेटली एक अच्छी डेंसिटी प्रोवाइड, डिसेंट डेंसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जब आप एडवांस ग्रेड में होते हो, तब अगर आप मल्टी सेशन के साथ प्लान करते हो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एडवांटेज टू यू टू योर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एज वेल। सो आई होप यू अंडरस्टूड वाई वी डू वॉट वी डू फॉर यू, एंड आपको आपके क्वेश्चन का अच्छे से आंसर मिला हो। इन एनी वे एनी केस अगर आपको कोई भी डाउट है आप कॉमेंट करिए हमें, आप हमारी टीम के साथ बात करिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। आई होप यू एंजॉय वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।